शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शहर के अपराध शाखा पुलिस के चेन स्नैचिंग दस्ते ने कुख्यात दो चेन स्नैचर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों से 3 पिस्तौल और कारतूस जब्त किए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार अपराध शाखा के चेन स्नैचिंग का दस्ता आरोपियों की खोज में गश्त पर निकला था। उसी समय उन्हें जानकारी मिली कि एक पीली और सफेद रंग के बोलेरो गाड़ी में दो लोग, उनके कमर में पिस्तौल लगी हुई है। दस्ते ने तुरंत सेमिनरी हिल्स, टीवी टावर चौक, MSCB कार्यालय के सामने जाकर गाड़ी को ढूंढा तो आरोपी बोलेरो गाड़ी क्रमांक MH 31EK 1516 में बैठे हुए थे। पुलिस ने तुरंत आरोपी पाचपौली ठक्कर ग्राम निवासी शशांक समुद्रे, आरोपी बालाबहु पेट कमाल चौक निवासी ऋषभ शाहू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की जांच की तो उनके पास 1,80,000 रुपए कीमत की 3 पिस्तौल मैगजीन के साथ मिली है। क्राइम ब्रांच के एंटी चेन स्नैचिंग पथक प्रमुख हेमंत थोरात आणि त्यांच्या टीमने दोन आरोपींना पकडलेला आहे, शशांक समुद्रे आणि ऋषभ शाहू। या दोघांच्याकडून 3 पिस्तौल्स जप्त केलेले आहेत, बरोबरच 7 राउंड पण आपण जप्त केलेले आहेत, बोलेरो गाडी जप्त केलेली आहे। एखादी मोठी वारदात होण्याची शक्यता होती। या आरोपींच्यावर पूर्वीचे कोणते गुन्हे नव्हते, पण गुन्हेगाराला हँड ओव्हर करण्यासाठी हे निघालेले होते। तपास स्वतः हे चेन स्नॅचिंग पथक, अँटी चेन स्नॅचिंग पथक करत आहे। पुढील कुठून ह्या पिस्तौल आल्या होत्या, कुणाला देणार होत्या, याबद्दलचा तपास सुरू आहे।